व्हाट इज़ गोइंग ऑन गाइज, स्वागत है आपका इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज़ के 34th वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंसर्ट बटन से हम जब ऑन क्लिक होगा उसके बाद इंसर्ट डेटा होगा जो हम इनपुट लेंगे यूज़र से, नेम और फ़ोन नंबर, वो पास हो जाएगा डेटाबेस हेल्पर क्लास के इंसर्ट डेटा में। तो यहाँ पे एन और बी में हमने नेम और फ़ोन नंबर पास किया, उसके बाद कंटेक्ट वैल्यूज में सेव करके उसको इंसर्ट कर दिया। अब इस वीडियो में देखते हैं कि जो इंसर्ट किया हुआ वैल्यूज़ है हम उसको शो कैसे करेंगे, डेटाबेस को रिटर्न कैसे करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए हमको एक मेथड क्रिएट करते हैं सबसे पहले, तो जैसे हमने इंसर्ट का किया था वैसे ही शो डेटा या तो गेट डेटा कुछ भी मेथड क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम शो डेटा, जिसमें हम लेंगे इनपुट यूज़र से कुछ नहीं, क्योंकि हमको कुछ नहीं लेना है, बस शो डेटा करना है। लेकिन रिटर्न टाइप हम वॉइड नहीं रखेंगे, रिटर्न टाइप हम कर रखेंगे कर्सर। कर्सर क्या होता है, जैसे हम एक डेटा रिटर्न करना होता तो स्ट्रिंग डाल देते, बस एक नेम रिटर्न करना होता तो बस स्ट्रिंग डाल देते और स्ट्रिंग रिटर्न कर देते। लेकिन हमको पूरा टेबल ही रिटर्न करना है जिसमें बहुत सारे वैल्यू हो सकते, तो उसके लिए हमको कर्सर होता है जिसमें सब डेटाबेस का टेबल जो रहता है वो रिटर्न करने के लिए हमेशा कर्सर ही यूज होता है। तो कर्सर के हेल्प से हम रिटर्न करेंगे, तो हम एक कर्सर क्रिएट करते हैं। मैं रिसोर्स करके फाइल नाम देना चाहता हूँ और रिटर्न रिसोर्स, तो कर्सर को हमने रिटर्न कर दिया। तो अभी रिसोर्स कैसे हम क्रिएट करेंगे, कर्सर क्या होता है कि एक हम क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम है उससे हम रिटर्न कर सकते हैं रिसोर्सेस। जैसे कि इसमें भी सेम करना है हमको, SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, यहाँ से SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब रिसोर्स इज इक्वल टू db.rawQuery, rawQuery करके मेथड है, उसमें हम क्वेरी पास करेंगे। क्या क्वेरी पास करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है हमारा, हमने टेबल नेम पे सेव किया है बस, और एक कॉलम है नल, सेलेक्शन आर्गुमेंट जो है हम नल पास कर देंगे, ये हमको इतना ज़रूरी नहीं है। तो क्या हुआ कि जो डेटाबेस है, जो हमारा ये वाला डेटाबेस है, उसमें टेबल नेम हमने रखा है नेम एंड फ़ोन। इस टेबल नेम वाला नेम एंड फ़ोन जो टेबल है उसका सबका डाटा मेरे को दे, कर्सर बोलता है कि उसके सब डाटा मेरे को रिटर्न कर। रिसोर्सेज में सब डाटा आया, जितने भी फ़ोन नंबर है, हज़ारों लाखों फ़ोन नंबर होंगे या नेम होगा, वो रिसोर्सेज में सेव हो गया और हमने रिटर्न कर दिया ये रिसोर्सेज, कहाँ पे, जो मेथड शो डेटा को कॉल करेगा। तो हम इसको यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर क्लास में इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि बस डेटाबेस से कॉल करना है और रिटर्न करना है, फिर जाएंगे डेटाबेस थिंग्स में। यहाँ पे हम करेंगे जो शो बटन था डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, क्योंकि हम ये बटन दबने के बाद ही करेंगे ना इसका काम। तो शो बटन पे ऑन क्लिक पे हम मेथड बनाने वाले हैं, जो ऑन क्लिक मेथड पे हम कॉल करेंगे अभी डेटाबेस हेल्पर, जैसे हमने इंसर्ट डेटा का कॉल किया था वैसे ही शो डेटा कॉल करेंगे। तो यहाँ पे भी कर्सर रिटर्न करेगा, तो कर्सर हम बनाएंगे एक कर्सर, रिसोर्सेज ही नाम देंगे, तो हम इम्पोर्ट करते इसको। तो डेटाबेस डॉट शो डेटा जो है ये वाला रिसोर्स रिटर्न करेगा, मतलब वो वाला सब टेबल नेम जो है, टेबल नेम एंड फ़ोन टेबल का सब डेटा रिटर्न करेगा, A to Z, फ़ोन और नंबर नेम। तो अभी हम रिसोर्सेज से कैसे हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, अभी हम कैसे इसको दिखाएं, हमने लिया है एक टेक्स्ट व्यू शो TB उसमें दिखाने वाले। तो रिसोर्सेज को हम सबसे पहले, रिसोर्सेज जब रिटर्न होता है तो सबसे कॉलम पहले वाले कॉलम में नहीं आता है, पहले वाले रॉ में नहीं आता है, कॉलम तो हमारा 3 है, पहले वाले रॉ में नहीं आता है, तो हम मूव टू नेक्स्ट करना पड़ता है। तो हम उसके लिए एक लूप चलाएंगे, क्योंकि एक ही डाटा तो नहीं आ रहा है, बहुत सारे डाटा हो सकते हैं, तो res.moveToNext, तो हम एक लूप चलाएंगे, मतलब एक रॉ रिटर्न करेगा, फिर नेक्स्ट रॉ में चला जाएगा, फिर नेक्स्ट रॉ में चला जाएगा, फिर नेक्स्ट रॉ में चला जाएगा। तो उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू में से दिखाएंगे, तो showTV.setText करेंगे। showTV.setText में क्या करेंगे, पहले showTV में जो डेटा है पहले से ही डेटा है, एक कॉलम हो सकता है, तो उसको रिटर्न करते, पहले गेट टेक्स्ट करते, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं, और उस पर हम कॉन्केटिनेट करते हैं नया डेटा, एक डेटा पहले से ही अगर होगा तो वो दिखाएगा, उसके बाद कॉन्केटिनेट करेंगे नया डेटा क्या है, res। हम एक काम करते हैं यहाँ पे इजी करने के लिए, तो मैं यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ, स्ट्रिंग id इज इक्वल टू res.getString 0,
ये क्या होता है, हमने जो आरईएस है, आरईएस में बहुत सारे रॉ रिटर्न करेगा। तो पहला वाला रॉ के जीरो कॉलम पे, मतलब कॉलम जीरो में क्या है, कॉलम जीरो में हमारा आईडी है। जीरो की इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि हर हर एक ये इस जीरो से स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पे नाम वन दिया है लेकिन ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो आईडी जीरो, नेम वन और फ़ोन टू होता है। तो जीरो वाला जो आईडी है वो इस स्ट्रिंग आईडी में आ जाएगा। और हम ऐसे ही तीन बनाएंगे, नेम फ़ोन, तो वन वाला फ़ोन में आ जाएगा, टू वाला इसमें फ़ोन में आ जाएगा, वन वाला नेम में आ जाएगा, टू वाला फ़ोन में आ जाएगा। तो जीरो का वैल्यू जो है आईडी में आ गया, नेम में आ गया, फ़ोन में आ गया। तो इसको हम शो करते हैं। शो करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो गेट टेक्स्ट किया। सो टी में जो गेट टेक्स्ट है पहले से ही एक कॉलम हो सकता है, तो उसके बाद प्लस क्या कर दिया, आईडी प्लस नेम, स्पेस देते हैं इसमें, प्लस नेम प्लस फ़ोन। तो हमने 100 TB में सेट कर दिया। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे एक मैं ये भी दूंगा स्लैश एन, ताकि दूसरा लाइन आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं स्लैश एन दूंगा, प्लस स्लैश एन मतलब लाइन ब्रेक होता है, एक लाइन नीचे आता है, नहीं तो लगातार आ जाएगा। तो अभी जब हम ऐप को रन करेंगे तो पहले जो डेटा था वो दिखना चाहिए, पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो में इंसर्ट किया था कुछ, सलमान और उसका नंबर इंसर्ट किया था हमने। तो हम इस पे शो करके देखते हैं कि वो डेटा दिखता है या नहीं। डेटाबेस थिंग्स में जाएंगे, शो करेंगे, दिख गया। तो सबसे पहले मैं ऐप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा डेटा पहले चेक करने के लिए यहाँ पे ये इंसर्ट किया था। तो हम फिर से रन करेंगे इसको, तो अभी हमारा ऐप रन हो गया है। पहले हम इंसर्ट कर देते हैं नेम सलमान, फ़ोन नंबर कुछ भी इंसर्ट कर दिया, शो कर दिया, तो ये शो हो गया। अब एक और इंसर्ट करते हैं, शाहरुख, इंसर्ट, शो हो गया, लेकिन सलमान खान डबल आ रहा है क्योंकि ये हमने शो टेक्स्ट गेट टेस्ट किया है बार बार, तो उसमें ऐड कंकेटिनेट होता जा रहा है। तो इससे पहले हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 100 TB जब भी दिखेगा तब पहले वाले क्लियर कर देते हैं, सेट टेक्स्ट कुछ भी रख के, स्पेस रख के मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि वो बार बार रिपीट ना हो जाए, डबल डबल रिपीट हो रहा है। तो जब मैं शो करूँगा ये सलमान शाहरुख दिख गया, कुछ भी नाम कुछ भी नंबर इंसर्ट शो। तो आईडी भी यहाँ पे हो रहा है, वन आईडी दे रहा है सलमान को अपने आप, हमने क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट पे डाला था, तो आईडी वन हो रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, टू थ्री आईडी हो रहा है, और नेम हो रहा है, नेम तो नेम और फोन नंबर हम नहीं दिया है, आईडी हमको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम कितनी भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और हम शो कर सकते हैं। तो हम अभी तीन ही डाटा शो कर रहे हैं। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये क्या हो गया, हमने ए एफ ए जी एफ डाल दिया, हम नाम तो ये नहीं चाहिए मेरे को, तीन नंबर पे जो आईडी, तीन नंबर वाला आईडी पे है ये नाम नहीं चाहिए मेरे को, चेंज करके रणवीर सिंह रखना है। तो हम उसके लिए अपडेट करेंगे, या तो मेरे को ये तीन नंबर वाला चाहिए ही नहीं, दो नंबर वाला शाहरुख का नंबर डिलीट हो गया, मेरे को डिलीट करना है, तो हम डिलीट बटन पे वो सेट करेंगे। तो अगली वीडियो में देखते हैं कि हम अपडेट कैसे करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।